क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज काम करने की लिस्ट लंबी होती है। उनके पास सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं होती। लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 मिनट्स बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिनमें आप जानेंगे कि कैसे आप 18 मिनट का ब्रेक लेकर अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे आप अपनी एनर्जी फील कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं 18 मिनट्स बुक समरी। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी खत्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है। ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करना और अपने काम को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक में आप अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे और आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आपको रुककर अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सकें। इस बुक में 4 ऐसे की पॉइंट्स बताए गए हैं जिन पर आपको फोकस करना होगा। आपको हमेशा 4 की पॉइंट पर फोकस करना है। पहला, आपको अपनी ताकत के बारे में पता होना चाहिए और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब आप उस काम पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं तो आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अपनी कमजोरियों से भागिए नहीं बल्कि उसे अपनाइए। इस कमजोरी से फायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमजोरियों से कोई तकलीफ नहीं है तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तीसरा, अगर आप में कुछ बात है जो सबसे यूनिक है, सबसे अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फायदा उठाइए। चौथा, अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, न कि उन चीजों पे जिस पे आप पैसे बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सकें और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। 18 मिनट्स बुक के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय इस प्रकार हैं। आगे बढ़ने की होड़ को कम करना। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी रुककर सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं और आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं तो अपनी स्पीड को स्लो करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या कहना है, आपको कहाँ पहुंचना है। यदि हम अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत है। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगी कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। क्या करना है डिसाइड कीजिए। क्या आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है
कि किसी काम को ज्यादा करने से हम ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये ठीक इससे उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम हैं, तो आप थक जाएंगे और हार्ड वर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल अपना फोकस 5 चीजों पर होना चाहिए, जिनमें 3 गोल अपने काम के लिए और 2 अपने पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे, उसमें सिर्फ वो 5 चीजें लिखिए जिनमें आपका फोकस रहता है। अपना डेली रूटीन तैयार कीजिए। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है, और यही प्रॉब्लम है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट्स टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए, आपको वही लिखने हैं जो आपके 5 कैटेगरी में फिट बैठते हों। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज दिन के आखिरी में 5 मिनट के लिए ये रिव्यू करना ही आपका दिन कैसे बीता। आप ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है। दोस्तों, 18 मिनट्स बुक समरी इन हिंदी लेख आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।